गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सुबह का स्वागत है वो फिर से हमारे नई व्लॉग में। तो यहाँ चलते चलते ना, यहाँ पे बर्फ मिल चुका है रास्ते में, तो काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो सकती है यहाँ पे, तो आराम से चलना होगा। यहाँ से देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग गिरते भी रहते हैं, क्योंकि ये वाला स्पॉट थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देख सकते हैं इतना कर यहीं तक है, कहीं मैं ना गिर जाऊँ और तो ठीक है। अभी मैं आ चुका हूँ भाटकी द्वार, आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है और आपको दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा काम आज मुझे करने को है। और माता के दर्शन भी कर लीजिएगा, काली माता का यहाँ पे मंदिर है। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो सामने का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। जय हो चाड़ू, यहाँ पे चाड़ू देवता का मंदिर है और सामने का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आज मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या मैं अपनी बाइक को घर ले जाऊँ। तो सोचते हैं जैसे ही पूर्व पहुँच जाऊँगा मैं, तो सोचते हैं फिर बाइक को लाएँगे। पहले देखते हैं रोड ठीक है कि नहीं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है रोड को चेक करना होगा, उसके बाद ही देखेंगे कि बाइक को घर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। इससे ऊपर तो रोड बिल्कुल ओके लग रही है, बस यहाँ ऊपर एक पॉइंट है देखते हैं वो वाला ख़राब तो नहीं है। अगर ठीक होगा तो बाइक लाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप चिक्कड़ बहुत ज़्यादा लग रहा है, अगर शाम को थोड़ा ठीक हो जाता है तो ला भी सकते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा चिक्कड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्या ही बताया आपको, बहुत ही ज़्यादा है। निकाल दिए बाइक बाहर और यहाँ पे ना आप देख सकते हैं हमारा टायर ना पंचर हो चुका है पीछे वाला, तो उसे अब भी ठीक करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसे ले जाएंगे। तो गाइस अभी तो नहीं जा सकते क्योंकि सामने गाड़ी लगी ना, तो यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। ये सो प्रिंटर ने आज करें तो अच्छा ना, तुझी जली बात दस मिनट रोल की बना हमेशा कितनी पेंचर नहीं और पेंचर नहीं आवली हो जाए जाना तेरे की मैंने दोनों ही टायरों में हवा भर दी, तो आगे वाले में काफ़ी ज़्यादा कम थी तो पीछे वाले में मैंने भर दी और मैं चलाई अभी थोड़ी देर, क्योंकि काफ़ी दिन इसे चलाए हुए थे, लगभग 20 दिन हो चुके थे और आज जाके इसको चलाया। थोड़ी देर बाद इसको थोड़ी सफाई भी करनी पड़ेगी, इसकी काफ़ी ज़्यादा दिन इसे सफाई करे भी हो चुके हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से, तो अभी यहाँ पर रुका हूँ, सामने बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तो यहाँ पर मैं रुका हूँ, यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, 20 दिन बाद मैंने आज अपनी बाइक चलाई, 20 दिन हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए, काफ़ी ज़्यादा इंतजार करना पड़ा मुझे बर्फबारी की वजह से। तो अभी जाके मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ आज। यही बताएं आपको ना, तो आज ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऑफ रोडिंग की हमने, इतनी खतरनाक ऑफ रोडिंग तो किसी ने की नहीं होगी, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके रोड, बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी तरह से, लेकिन हमने तो आज बाइक लाई। तो अभी हम आ चुके हैं घर की ओर और आप देख सकते हैं आज हमने बाइक लाई घर, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे ना इस वाले रोड में चलाने के लिए, हम मन कर रहा था ऑफ रोडिंग करने का, तो आज हमारा जो मन था पूरा हो गया। तो अभी जाके आ चुकी हमारी बाइक घर, तो थोड़ा सा रह गया तो पहुंच जाएंगे घर में थोड़ी देर में। आज ना हमने बाइक को घर ही लाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके थे घर लाए हुए, तो काफ़ी दिन से ये ऊपर शटर के अंदर बंद थी ना, चलाया भी नहीं था, तो आज काफ़ी चलाया भी हमने इसको, तो इसमें बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी बैटरी में, तो इसलिए चला के ना उस बैटरी में थोड़ी चार्जिंग हो गई, तो बढ़िया रहा आज का सफ़र। थोड़ा रोड हमारा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका आजकल, तो इसमें अगर PWD वाले इसको ठीक करते हैं तो फिर जाके ठीक हो जाएगी। और काम भी था काफ़ी सारा मुझे अपने कुछ पर्सनल काम, तो इसलिए मैं गया था भाटकी द्वार, तो साथ में आज बाइक को भी चला लिया, तो अभी आज कहूँ घर में बस। तो कैसे लगे आपको हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। जय हिंद, जय भारत, लव यू।